हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टू कलर का बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा स्वेटर का डिजाइन लेके आई हूँ। टू कलर का डिजाइन बनाएंगे, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये टू कलर की वूल ली है, एक मैंने ब्लू लिया है, एक मैंने वाइट लिया है और 10 नंबर की मैंने ये सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 के मल्टीपल फंदे डाले हैं। जैसे देखिए, पहले 4 गिनिएगा, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। राइट साइड से बनना शुरू होगा और 4 सिलाइयों में डिजाइन बन के कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, बच्चों के बेबी स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में डालिए, बच्चों के जैकेट में डालिए, कैप में डालिए, सॉक्स में डालिए, ब्लैंकेट में डालिए, किसी में भी डालिए। ऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बनाएंगे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। टू कलर की वूल ली है, आप कोई भी कलर इसमें ले सकते हैं। ये मैंने उल्टे सीधे का बॉर्डर बनाया है, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अगर किसी प्रोजेक्ट में आपने फंदे बढ़ाने हो तो फंदे बैक साइड से बढ़ा लीजिएगा, सीधी तरफ से फर्स्ट रो से यानी पहली सिलाई से डिजाइन बनना शुरू होगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने ये सेकेंड कलर को ज्वाइंट किया है। तो देखिए, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को लास्ट तक हम रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा रिपीट स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, बच्चों के प्रोजेक्ट में बहुत ही प्यारा रेडीमेड लुक का ये डिजाइन बन के आएगा। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही 3 फंदे बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे, लास्ट में आपके पास 3 फंदे हैं, इनको सीधा ही बुनेंगे। तो दोनों तरफ से डिजाइन बिल्कुल सेम बनेगा। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में 3 सेकंड कलर से थे और लास्ट में भी 3 फंदे सेकंड कलर के हैं। अब आ जाइए उल्टी तरफ और दूसरी सिलाई में। तो देखिए, फर्स्ट फंदा ऐसे उतार लीजिएगा, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो ये ब्लू कलर के फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे, 1, 2, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये वाइट फंदा है बेस कलर का, इसको यहाँ पर स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करेंगे, 1, 2, 3, फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ, फिर से 1 फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको न्यू बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इस डिजाइन को आसानी से डाल लेंगे। तो 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर से 1 फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट में 3 फंदे सीधे, लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो 2 सिलाइयां डिजाइन की बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई और बेस कलर से बुनेंगे। 2 सिलाइयाँ 1 कलर से बनाई जाएंगी और 2 सिलाइयाँ 1 कलर से बुनी जाएंगी। तो अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब जो ये 3 फंदे हैं इसमें से बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 1 फंदा बुना, फिर इसको स्लिप किया, अब फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 3 फंदे सीधे ऐसे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर से 1 फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए 3 फंदे फिर से सीधे,
फिर से एक स्लिप करेंगे। जब वाइट कलर से बुनेंगे बेस कलर से, तो ये बीच में जो वाइट फंदा बगैर बुना, इसके दोनों तरफ के फंदे सीधे बुने जाएंगे। एक दो तीन, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, अब एक फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट का फंदा फिर से सीधा। तो ये डिजाइन की तीन सिलाइयां बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ चौथी सिलाई में। चौथी सिलाई को यहां से पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। बनने के बाद बहुत ही प्यारा डिजाइन ये बन के आता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो यहां से चौथी सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। तो चार सिलाइयों का डिजाइन था और ये चार सिलाइयां हमारी बन के आ गई। अब देखिए फिर से जब इस डिजाइन को रिपीट करेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ। अब दोबारा से डिजाइन को स्टार्ट करेंगे तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये ब्लू कलर लेंगे अब हम यहाँ पर। अब देखिए जो ये तीन फंदे हैं यहाँ पे, अब देखिए दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो दूसरा कलर लगा के कैसे करेंगे। एक फंदा बनाएंगे, अब ये फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए जो ये नीचे यहाँ पे सफेद फंदा है, इस ये फंदे तीन हम ब्लू से बनाएंगे, एक दो तीन, इस तरह से फिर से इसको स्लिप करेंगे। जो ये यहाँ पे ब्लू तीन फंदे हैं, इसके सेंटर वाले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे। सेम उसी प्रोसेस को बनाते हुए इसको आगे बुनते जाएंगे, इसको स्लिप करेंगे। जो ये बीच में तीन फंदे हैं इन डिजाइन वाले, इसके बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर आगे तीन फंदे बुन लेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर स्लिप करेंगे, फिर से लास्ट का फंदा बुन लेंगे। तो दोबारा से डिजाइन को मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से जब आप इसको बार बार बुनेंगे तो देखिए आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये डिजाइन टू कलर में बन के आ जाएगा। राइट साइड से इस तरह से नजर आएगा और रॉन्ग साइड से इस तरह से नजर आएगा। बगैर धागा घुमाए छोटी बुनाई में डबल कलर का बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये डिजाइन आपका बन जाएगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।